बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, पर छतरपुर में स्कूली बच्चे ट्रैक्टर में बैठकर जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच गए और अपने स्कूल की जर्जर बिल्डिंग का हाल शिक्षा अधिकारी को सुनाने लगे। छतरपुर में स्कूली बच्चे ट्रैक्टर में बैठकर जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे और शिकायत करते हुए बताया कि उनके गांव रोरा शासकीय स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। बिल्डिंग की छत से पानी टपकता है और छत का सीमेंट टूटकर गिरता है, जिससे कभी भी बच्चों के साथ अनहोनी हो सकती है। स्कूली बच्चों की शिकायत पर शिक्षा अधिकारी ने कहा कि वे इस संबंध में DPC से जानकारी लेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। हमें ये समस्या है कि हमारा विद्यालय बहुत ही गंभीर हालत में है और हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय की बिल्डिंग फिर से बनवाई जाए, क्योंकि आज हम जब विद्यालय में गए तो हमने देखा कि हमारे विद्यालय में छत गिर रहा था और 2-3 बच्चे बच भी गए हैं और हम लोगों को मौत का डर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सर, हमारे गांव में जो रोरा गांव में शासकीय माध्यमिक शाला रोरा है, उसकी जो बिल्डिंग है सन 2007 की बनी हुई है, वो पंचायत के द्वारा बनवाई गई थी। तो उसमें पुराने जो सरपंच सचिव रहे हैं उन्होंने घटिया निर्माण कराया उसका, जिसके कारण वो पूरी बिल्डिंग धराशायी हो रही है। अब तो लगभग उसका मान के चलो जो सरिया है वो तक टूट कर गिरने लगा है। तो हमने कई बार कम से कम 2-3 साल से लगातार हमारे सरपंच सचिव महोदय हैं जो गांव के हर कार्यालय में, मानो कई बार उन्हें अपने कोटा से प्रस्ताव लिखे कि ताकि मंजूरी मिल जाए, और जो हमारे प्रधान अध्यापक जी उनने अपने कोटा से लिखा कि ताकि मंजूरी मिल जाए, लेकिन हमने भी हर जगह पर हर कार्यालय में जितने भी मान के चलो जनपद में, जिला में, DO साहब के यहाँ, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी के यहाँ, कोई भी कार्यालय नहीं बचा जहाँ पर हम लोगों ने मानो जन सुनवाई में कहीं पर भी आवेदन ना दिया हो। मेरे संज्ञान में आया है, पेपर की कटिंग मेरे पास आई है और आपने भी मुझे ये अवगत कराया है। रोरा में प्राथमिक माध्यमिक स्कूल जो है वहाँ पर छत जर्जर है, उसमें पानी टपकता है। इसके बारे में मैंने आज ही जो है DPC से चर्चा की है कि इसकी जो है विधिवत जाँच करें और जो भी इसकी मरम्मत के लिए खर्चा है तो वो जो है आप जो है व्यवस्था करें। उन्होंने कहा है कि हम जो है प्रपोजल भेज दे रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र, वहाँ से आते ही हम इसकी जो है सुविधा इसको पूरी कराएंगे, मरम्मत जो है इसकी कराएंगे। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, saath hi global festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।